हर जिले में एक एक व्यक्ति अपने आप को मुख्यमंत्री बताकर जनता के वोट बटोरने का काम कर रहे हैं। उनको लगता है शायद इसी से ही जिले के वोट मिल जाएंगे, मगर राज्य की जनता बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि आपके यहाँ ना डिसिप्लिन है, ना नेता है, ना नीति है, ना सिद्धांत है। इसलिए आपने नेता को घोषित करना उचित नहीं माना। कांग्रेस ने यहां पर जाति और धर्म के पॉलिटिक्स को भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया। देश के प्रधानमंत्री की गरिमा को नीचे गिराने तक के शब्द प्रयोग किए गए। इस सारी चीजों ने मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता को आहत किया है और आगाह भी किया है कि आगे पर किस प्रकार की पॉलिटिक्स अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो होगी। हमने एक रचनात्मक, एक सकारात्मक एजेंडा पर पूरे चुनाव अभियान को ले गए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि राजस्थान में निश्चित रूप से हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं और फिर से एक बार मोदी जी और वसुंधरा जी के नेतृत्व में एक डबल इंजन ग्रोथ वाली ट्रेन राजस्थान को मिलने जा रही है।